से युद्ध समाप्त हुआ। बाहुबली और भल्लाल देव दोनों ने समान साहस और पराक्रम दिखाया, लेकिन बाहुबली ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, उससे प्रभावित होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। प्रजा उत्सव मनाने लगी और वो पलके बिछाकर राज्याभिषेक की राह देखने लगी। तभी राक्षस दहन उत्सव आ गया, जो 26 वर्षों में केवल एक बार आता है। राज्य की खुशहाली के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्नि कुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करे, और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। Thank you.
चल तो टोले टोले खलाए ऐसा वो बाहुबली है। राजमाता शिवगामी भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जोगो सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी माँ ने आधी उसे दे दी, तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राज वैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा, जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लो, और जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालू। क्यों भला मार डाले? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी माँ का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते? प्रभु क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। उस दिन भी यही हुआ, मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? कुत्ते ये बताओ, मुझे महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? हमारी जो इसके एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है। आप क्या प्रभु? क्यों रे कुत्ते, राजघराने को आप सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें,
जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। उसकी बुद्धि अबाइश नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता होना सूंघ लिया। यही है पाटलिपुत्र की राजकुमारी वारुणी। कहते हैं पूरे भारत में ऐसी अपूर्व सुंदरी कोई और नहीं। आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं, कोई और ढूंढो। जी महारानी। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधु सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ आपने बुलाया? हाँ बाहु, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है, इस समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमाया जाता है मंत्रीवर? ताकि प्रजा के सुख दुख भगवान स्वयं देख सके। बाहु, जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं तभी उनको प्रजा के सुख दुख का पता चलता है। जी माँ। कटप्पा को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा। ये बूढ़े बाबा क्यों माँ? बचपन से वही कहानियां सुना सुना कर मेरा सर खा गए। एक बार और सहन कर लो, जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। चलाऊं या लाठी, हमारे महल की लड़कियों की पलक तक नहीं झपकती थी। अब तुम रहने भी दो मामा। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं। क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए ये जोशीले हाथी सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। प्राणहिता नदी के तट पर तुम्हारे लिए बनवाया जा रहा है वसंत महल, पसंद आया भल्ला? पचास योजन की दूरी तक लक्ष्य को भेद देने वाला ये धनुष तुम्हारे लिए। माँ, छोटे भाई को सिंहासन देने के बदले में मुझे ये भेंट दी जा रही है। सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए, इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। राजमाता शिवगामी देवी का निर्णय सराखों पर है, उपहार देकर उसका अपमान ना करें। की
कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेस बदल कर आए हुए सैनिक, अपना कुछ काम नहीं। पता करो और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। जो आपके सबको बंदी बना लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक से बांधो सबको। घोड़े जैसे हो तुम लोग, औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करे राजकुमारी, मेरा भांजा मंद बुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या, अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी, आप तो दयालु हैं, यदि आप इसे कुछ सिखा देंगी तो हम जीवन भर आपका उपकार मानेंगे। ठीक है, कदकाठी से तो अच्छा है तलवार चलाना सीख जाए, द्वारपाल तो बन ही सकता है। वो हम सिखाएंगे। जय हो, जय हो।
वो आप महिलाओं का त्योहार है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राजकुमारी, इस राज्य में आपसे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं महामंत्री। दो तीरों से एक लक्ष्य भेदना संभव नहीं है। महामंत्री, मेरी बहन के लिए कुछ भी संभव है। एक बार और प्रयत्न करो देवसेना। तुम रुको, जवान बहन का ब्याह करवाने की जगह उसे लड़कों की तरह ये सब सिखा रहे हो। सच कहा आपने महारानी। आए हुए रिश्तों में से किसी को पसंद करोगी या मेरे भाई कुमार वर्मा से तुम्हारा ब्याह करवा दूं? ए बुद्धू, तुम्हें हमारे हथियार दिखा दे, आओ। ये गदा है, तुमसे नहीं उठेगी। ये भाला है, तुमसे नहीं चलेगा। ये है तलवार, इसे चला के देखते हैं, चलो। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाज, उसके बाद वो तो फिर चिप्पी खेलना भी आता होगा। दूर से देखा प्रभु, लड़कियां अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो। तो ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ, ऐसे मारो। ओहो हो, मारो देखते। ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है। क्या मारा है प्रभु? आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने बिजली की तरह तेज, शाबाश, हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर, देखे पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु, तुम हमें पसंद आए। इस राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट, बता दो कि तुम कौन हो, वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे। इतना नाटक करने की क्या जरूरत? 60 वर्ष के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है। देखो अनाप शराब मत बको बाहू, मुझे समझाओ कि प्रेम क्या है, अगर ना समझ पाओ तब क्या है? इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की जोड़ी देखो, देखो इस फूलों के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही है, और कैसे दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामू? इस धरती पर इतने साल बिता दिए किसने? कहीं भी कभी भी एक बार भी निखाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबोगे, आज में प्यार से तल के खाए। क्या हुआ तुझे? सुबह तो ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? वो उधर उधर। अरे, किसी ने खंभे के पीछे छुपा दिया। कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रख दी। रुक जाइए, आप
आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते, बस भूल गए थे, समय पर हमें याद दिला दिया। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों? जंगली सुअर खेतों को। मुझे सुअर से घिन आती है। सुअर नहीं, जंगली सुअर। उससे भी। किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है, इसे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा? साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है। लेकर आओ उसे। जी, जी। इन बाणों को अपने संग्रहालय में रखवा दो, आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। तुम्हें देखते ही मुझे संदेह हो गया था तुम्हारी नौटंकी और इसकी चापलूसी। मैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या नाम बताया? शिवू। शिवू पकड़ी। युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है, एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी। मामा कुछ कह रही है? आप ये क्या कह रही हैं? ये तो एक नाराज बालक है। वो भी देख लेंगे। बहादुर को बुलाया जाए। क्या है राजकुमारी, जो दातुन पकड़ना नहीं जानता ऐसे बच्चे के हाथ में आपने भाला पकड़ा दिया, ऐसा क्यों कर रही है? दूसरी तरफ बैल।
बुद्धि, बच्चा मर जाएगा रात में। भी नहीं गया। नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अब इससे कौन सी लड़की ब्याह करेगी, कौन इसे अपने हृदय में स्थान देगी? इतने विशाल हृदय वाली राजकुमारी कोई? रथ ले आओ। मैं क्या करूं, भोले भोले भोले, जिस देवी ने मदद का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े। अरे वैसी ने क्या कहा सुना नहीं, चलो ये दवाई पिला देना से स्वामी, जितनी अच्छी नींद लेगा उतनी जल्दी ठीक। अरे रे रे, टूटा हुआ हाथ लेके कोई कैसे सोएगा? भोले बम भोले। मामा क्या कहा? लोरी लोरी सुनी आपने? कौन सुनाएगा आप लोरी से, कौन सुनाएगा? सुनिए, आप गाएंगे लोरी? आपको नहीं आती? आप गा लेंगी? मुझे नहीं आती। नहीं आती? राजकुमारी आप गाएंगी? भांजे का हाथ टूट गया इस दुख में, मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। भोले बम भोले, अब क्या करूँगा, खुद ही गाऊंगा। लोरी जो गाए वो मैया कहा, जो प्यार जताए वो बाबा कहा। भूला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए। भोले भोले, लोरी जो गाए वो मैया कहा, जो प्यार जताए वो बाबा कहा। भूला है वो अनजान है अभी तक इसी का समय है, कृष्ण पूजा का समय हो गया है, चलिए। I'm not afraid of the dark.
बाहुबली कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंदबुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंदबुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। ये उनका चित्र है प्रभु। सेना सिर्फ मुझे मिली चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? मां वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी मां? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है, इसलिए पहली चाल मैं चलूंगा। सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं, क्या हुआ भला? कुछ नहीं माँ, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोषम? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है, आप कहें तो दिखाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप भला? मैं कह रही हूँ ना, दिखाइए। ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भला? हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो, ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो माँ कैसी। भला देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में एक वर्ष लग जाए, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाए। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाए। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माँ हिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं। रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर, मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे, एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली है, अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी हैं, या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना,
अमात्या, इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या, हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। राजकुमारी, महाराज आप ही को समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री, अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। विरिन जी, महिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए कहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूँ। ये कहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर ले और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाए। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंड में युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। इतना बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? प्रभु, मुझे ऐसे सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंद बुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही है। वो मंद बुद्धि? हाँ प्रभु, उसे हाथी से कुचलवा दूंगा। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार, पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी माँ अच्छे से जानती है, लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें ये रिश्ता स्वीकार नहीं। ये भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। मामा, हथियार। पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहाँ जा रहे? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस, आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो, क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो?
वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। अभी बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी। Thank you.
बताइए। जय भवानी। जय भवानी। जो कहता है कि तुम काया नहीं वीर हो। इस विपत्ति का मैं आभास भी नहीं था। आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप? कहां से आए हैं? हम कौन है ये जाने दीजिए महाराज। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी, आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या, कौन है वो सौभाग्यशाली? जी, वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सुना। महिष्मति के होने वाले सम्राट देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार जिससे उस कालके के संधारक वीरों के लिए एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज।
राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था। जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी मां से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना, वो जो भी करती है उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी मन कराओ। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हर की बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ। हमारे राज्य का उजाला आपको सौंप रहे हैं युवराज। निश्चिंत रहे, अब ये मेरी जिम्मेदारी है।
निश्चिंत रहिए राजकुमारी, राजमाता बहू की तरह नहीं बेटी की तरह आपकी देखभाल करेंगी। माहिष्मती, आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं माहिष्मती स्वयं देख ले। क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेश में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए, मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर खुद तो बच पा लो। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो, यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई माँ। शिवगामी से भूल हुई।
तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना, क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी माँ अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी माँ के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्रा बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ महिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देव सेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, ये आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मालव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतरा सरबत राज्य से दक्षिण में करकरी सूरणी कालकेय महारण्य तक, ऐसी माए महिष्मती की जिसके होने वाले सम्राट संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, है अखंड महिष्मती साम्राज्य का राजाधिराज। इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल